आज के इस वीडियोस में हम आप सबको मिशन चंद्रयान 3 के मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो आपके हर एग्ज़ाम में पूछते हैं, और आगामी आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें मिशन चंद्रयान से रिलेटेड ये सब प्रश्न आपके पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, वीडियो को अंत तक वॉच करें। वीडियो छोटा है लेकिन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या क्या क्वेश्चन इससे बनता है, मैंने टॉप 20 प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है कि मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया है। 14 जुलाई 2023, 15 जुलाई 2023, 25 जुलाई 2023 और 11 जुलाई 2023। तो इसमें आपका बिल्कुल पहले का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 जुलाई 2023 को मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। इससे इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं कि चंद्रयान जो 3 है भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है ना, इस बात को भी नोट कर लेंगे। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर रोवर भेजना था, चंद्रयान टू का ये रोवर भेजा था। चंद्रयान टू कब लॉन्च हुआ था, तो जुलाई 2019 में। ये भी क्वेश्चन पूछता है। और ये जो चंद्रयान 3 जो है, इसका मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए आपका, ये भी देखिए VBI है कि मिशन चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया है। पहला ऑप्शन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बेंगलुरु, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन नई दिल्ली और विक्रम साराभाई स्टेशन तिरुवनंतपुरम। तो इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका तीसरा सवाल है कि चंद्रयान 3 को कहां पर लैंड करना है। चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर, चंद्रमा के पश्चिमी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर और चंद्रमा के पूर्वी ध्रुव पर। ये VBI प्रश्न है और इसका बिल्कुल ही सही जवाब आपका 3 का सी होगा, है ना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, PSLV-9, SSLV-7, LVM-3M4 या GSLV-5। तो यहाँ आपका 4 में बिल्कुल सी सही है, LVM-3M4। इसका देखिए फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि LVM-3 का फुल फॉर्म, तो इसका है कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इससे पहले जो है ये LVM-3 है, LVM-3 का सबसे पहले नाम जो था वो था GSLV-MK-3 के नाम से जाना जाता था। और ये GSLV-MK जो 3 है इसका फुल नेम है ना, गाइशोन क्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ठीक है। आपका देखिए ये क्वेश्चंस भी बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट है इम्पोर्टेंट कि चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम क्या है। CE-23 क्रायोजेनिक इंजन, CE-03 क्रायोजेनिक इंजन, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन और CE-45 क्रायोजेनिक इंजन। तो इसमें आपका सी हो जाएगा, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। सी का फुल फॉर्म जो होता है क्रायोजेनिक, सी से होता है क्रायोजेनिक और ई से होता है इंजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए इम्पोर्टेंट है, ये भी देखिए एकदम बहुत ही स्टार प्रश्न है आपका कि मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया है। पहला है जाक्सा यानी जापान, नासा USA, इसरो भारत और CNSA। तो मिशन चंद्रयान 3 को जो है आपका इसरो ने लॉन्च किया है, भारत का इसरो, तो इसरो हो जाएगा। अब यहाँ से भी कुछ मुख्य इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है इसका हिंदी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हिंदी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना पूछ दे तो आप याद रखिएगा 15 अगस्त 1969 को, और इसका मुख्यालय बेंगलुरु के कर्नाटक में है, और अध्यक्ष जो है अभी 2023 में एस सोमनाथ है, और इसरो के पहले अध्यक्ष जो है आपका विक्रम साराभाई। तो यहाँ पे आपके 4-5 मुख्य पॉइंट्स थे, इसको भी आप लोग लिख लेंगे, याद कर लेंगे, हर एक एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के कौन से 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए। पहला है चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन, दूसरा है चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन, फिर है वैज्ञानिक अवलोकनों का प्रदर्शन करना, और डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल 7 में ये भी ऑप्शन राइट है, ये भी सब तीनों ऑप्शन राइट है, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा डी, ठीक है। ये सब करेंट अफेयर्स आप इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम
जो आगामी जो भी एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। अगला है मिशन चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन है, पहला, तीसरा, चौथा या आठवां। तो चंद्रयान 3 इसका ये जो है आपका बी ऑप्शन सही होगा, तीसरा है, नाम में ही छुपा हुआ है इसका आंसर। इससे रिलेटेड आपका तीनों मुख्य पॉइंट्स बता दे रहे हैं। पहला, चंद्रयान यानी कि चंद्रमा का जो मिशन है वो 22 अक्टूबर 2008 को शुरू हुआ था। दूसरा, चंद्रमा का जो मिशन था वो 22 जुलाई 2019 को, और तीसरा का जो चंद्रमा मिशन था वो 14 जुलाई 2023 को, ठीक है। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 इम्पोर्टेंट है कि मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है, इसका थीम बताना है क्या है। पहला ऑप्शन है साइंस ऑफ द मून, साइंस एंड मून, मून इज वेरी नियर, और इंडिया टुवार्ड्स मून ऑर्बिट। तो इस देखिए इसका थीम जो है आपका थीम वो है मिशन साइंस ऑफ द मून, आपका 9 में ए हो जाएगा। 10 नंबर सवाल आपका है कि चंद्रयान 3 में क्या नहीं है। पहला ऑप्शन है लैंडर, फिर है रोवर, सी है ऑर्बिटर, और डी है नन। तो यहाँ 10 में आपका सी सही है, ऑर्बिटर उसमें नहीं है। ऑर्बिटर का इस्तेमाल चंद्रयान 3 में नहीं किया गया है, ठीक है। 11 नंबर और 12 नंबर आपका सवाल भी महत्वपूर्ण है कि चंद्रयान 3 जो है इसमें कितने मॉड्यूल हैं। पहला है 2, 3, 4 और 5। यहाँ 11 में आपका बी सही है, चंद्रयान 3 में 3 मॉड्यूल है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपका है कि मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है, लैंडर का नाम बताना है। ऑप्शन है विक्रम, प्रज्ञान, आदित्य और बाहुबली। तो यहाँ 12 में आपका बिल्कुल सही जवाब ए होगा, है ना। लैंडर का क्या नाम है, विक्रम, विक्रम साराभाई के नाम पर, ठीक है। विक्रम साराभाई जो थे इसरो के पहले अध्यक्ष थे, इस बात को भी हमने बताया है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इससे और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। 13 क्वेश्चन है कि मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम है, रखा गया रोवर का विक्रम, प्रज्ञान, आदित्य या बाहुबली। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, चंद्रमा 3 के रोवर का जो नाम है प्रज्ञान है, और लैंडर का क्या नाम था, तो लैंडर का नाम विक्रम। 14 नंबर सवाल है आपका कि चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने, है ना, थ्रॉटल सूक्ष्म इंजन है, सूक्ष्म यहाँ पे होगा ना, थ्रॉटल सूक्ष्म इंजन है, 2, 4, 5, 7। तो यहाँ 14 में आपका बिल्कुल सही जवाब 4 हो जाएगा, 4 थ्रॉटल इंजन है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो 15 में आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला देश बन जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इसको, है ना। और अगला 16 नंबर देखिए, आपका सवाल कहता है कि चंद्रयान 1 मिशन को कब लॉन्च किया गया था। पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 2010, 22 अक्टूबर 2008, 18 जून 2005 और 17 जनवरी 2009। तो 16 में आपका बिल्कुल सही जवाब है बी, 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 मिशन को लॉन्च किया गया था, ठीक है ना, 22 अक्टूबर 2008, ठीक है, इस बात को नोट्स रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 आपका सवाल है कि चंद्रयान 2 मिशन को कब लॉन्च किया गया, 22 जुलाई 2019, 15 अगस्त 2001, 18 जनवरी 2011 और 30 मार्च 2017। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है, 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। 1 को यहाँ पे आपने देख लिया 22 अक्टूबर 2008 को, और 14 जुलाई 2023 को तीसरा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। अगला 18 नंबर आपका सवाल है कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है। बहुत VBI प्रश्न है, इसरो के अध्यक्ष पूछ सकता है, एस सोमनाथ, के सीवन, अमित शाह या एस जयशंकर। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही होगा, है ना, एस सोमनाथ वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। और 19 नंबर आपका सवाल है कि भारत ने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था, है ना। आपका ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 और 2 नवंबर 1963 और आगे है 28 नवंबर 1956। पहला रॉकेट को कब लॉन्च किया, तो आपका सी हो जाएगा, है ना, 21 नवंबर 1963 को, ठीक है। ये आपने 19 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 20 नंबर आपका सवाल है
कि चंद्रमा से परावर्तित रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, जो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है चंद्रमा की जो रोशनी है, इम्पोर्टेंट है, पीबीआई प्रश्न है, साइंस में भी आता है और चंद्रयान के थ्रू इसको भी आ सकता है। पहले 8 मिनट 16 सेकेंड, 1.28 सेकेंड, 15 सेकेंड या 60 मिनट। तो देखिए यहाँ पे आपका बिल्कुल बी सही है, इसको कभी कभी 1.3 सेकेंड भी कहता है, ठीक है। आई होप डेट कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया तो इसे आप शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन पे क्लिक कर लेंगे ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। बेस्ट ऑफ योर लक, जय हिंद, जय भारत।